हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैटल इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पबजी की रिलीजिंग डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किस डेट पे पबजी इंडिया के अंदर कंफर्म लॉन्च हो जाएगा, किस दिन आप अपने मोबाइल के अंदर गेम खेल सकोगे, एग्जैक्ट उसकी डेट क्या है, किस दिन वो रिलीज होगा, उसकी प्रॉपर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिगर किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस वीडियो को मैं आपको कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो कि 9 क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन का मैं आंसर करते करते आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट पबजी की रिलीजिंग डेट क्या है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन किस तरह से हैं और क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने बन के आता है, पबजी क्या फिर से बंद हो जाएगा इंडिया के अंदर? जी हाँ, क्या पबजी फिर से बैंड हो जाएगा इंडिया के अंदर? ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हमारी गवर्नमेंट पबजी के खिलाफ है? थर्ड क्वेश्चन है, प्ले स्टोर पे यदि कोई भी कंपनी अपने ऐप का प्री रजिस्ट्रेशन कराती है तो कितने समय में उसे अपना ऐप लॉन्च करना होता है? एंड फोर्थ क्वेश्चन है, पबजी की फेक न्यूज़ देने वाले कौन कौन से यूट्यूबर हैं? एंड फाइव क्वेश्चन है, क्या जो लोग ग्लोबल वर्जन खेलते हैं इंडिया के अंदर, एंड जब इंडिया का वर्जन आएगा, इंडियन पबजी का वर्जन आएगा, तो क्या उन लोगों का डाटा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा? एंड सिक्स क्वेश्चन है, क्या हमने सीजन 19 का रॉयल पास लेकर क्या हमने बहुत बड़ी गलती की है? एंड सेवन क्वेश्चन है, क्या पबजी सीजन 1 से स्टार्ट होने वाला है? एंड एट क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर जो ई स्पोर्ट प्लेयर हैं जैसे डायनेमो, स्काउट या कोई अदर व्यक्ति, इनमें से किस व्यक्ति को कंफर्म है पबजी की रिलीजिंग डेट? आप ये कह सकते हैं कौन कौन जानता है पबजी की कंफर्म रिलीज डेट। एंड नाइन क्वेश्चन है, जो कि आप जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, पबजी कब रिलीज होगा, उसकी कंफर्म डेट क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं, जो कि था पबजी क्या फिर से बैंड हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पबजी ऑलरेडी बैंड है इंडिया के अंदर लास्ट कम से कम 1 साल से। अब इसका अनलॉक होने का टाइम आया है। आप ये कह सकते हो कि पबजी कन्फर्म इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है, जिसको लेकर गवर्नमेंट से जो भी उन्हों की टर्म कंडीशन है, जो भी उन्हों की प्राइवेसी है, क्राफ्टन कंपनी को उसका ध्यान में देते हुए उसके भाव पे वो लॉन्च कर रही है। एंड सेकंड क्वेश्चन बन रहा था दोस्तों, क्या हमारी गवर्नमेंट पबजी के खिलाफ है? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट पबजी के खिलाफ नहीं है। हालांकि बीच में कुछ मंत्रियों ने गवर्नमेंट को कुछ लेटर भी पोस्ट किए हैं कि पबजी को दोबारा से बैन कर दिया जाए, इसे लॉन्च नहीं होने देना चाहिए, बिकॉज ये सेम उसी तरह का गेम दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, जो भी ये मंत्री हैं या जो भी नेता हैं, इन लोगों ने जो भी गवर्नमेंट को लेटर दिया है, उनके अकॉर्डिंग वो लेटर ठीक है। अगर उन्हें कुछ गलती लग रही होगी तो उस बात को लेकर उन्होंने ऑप्शन उठाया है। बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, क्राफ्टन कंपनी ऑलमोस्ट मैक्सिमम सभी जगह पे अपना प्रमोशन कर रही है इंडिया के अंदर पबजी लॉन्च करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, या कोई थर्ड पार्टी ऐप हो, या किसी तरह की वेबसाइट हो। इतना इन्वेस्टमेंट करने के से पहले वो गवर्नमेंट की परमिशन लेगी कि हमें पबजी लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दी है, इसलिए वो इतना प्रमोशन कर रहे हैं और अपना पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट, आप ये कह सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट पबजी के खिलाफ नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट जिसके खिलाफ है, वो है हमारा जो डेटा है वो किसी अदर कंट्री को सप्लाई नहीं किया जाए, वो कोई अदर कंट्री हमारे डेटा का कोई मिसयूज ना करे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पबजी के खिलाफ नहीं है। एंड थर्ड क्वेश्चन बन के ये आता है दोस्तों, अगर कोई कंपनी कोई ऐप या किसी भी प्रकार का कोई ऐप का प्री रजिस्ट्रेशन करवाती है प्ले स्टोर के ऊपर, तो कितने समय के अंदर उस ऐप को लॉन्च करना होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, मात्र 3 महीने। यदि अगर वो 3 मंथ के अंदर अपना
ऐप पब्लिश नहीं करेगी या लॉन्च नहीं करेगी, तो ऐसे में प्ले स्टोर को दिया हुआ जितना भी पेमेंट है उसे कंपनी रिटर्न नहीं करेगी और उससे में ऐसे में उसका काफ़ी लॉस होगा। यह प्ले स्टोर की टर्म कंडीशन है, आप उन लोग की टर्म कंडीशन जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नॉर्मली ये मेंशन मिल जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, पबजी की फेक न्यूज़ देने वाले कौन कौन से यूट्यूबर हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि फेक न्यूज़ देने वाले कौन कौन से यूट्यूबर हैं, तो अगर आप बोलोगे कि 100 यूट्यूबर हैं, तो 100 में से अराउंड 4 मैक्सिमम मैं आपको बोलूँ तो 90% लोग फेक न्यूज़ देते हैं। अगर इसमें किसी बड़े यूट्यूबर का मैं आपका नाम लूँ, तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो है टेक्निकल गुरुजी। आप उन लोग की न्यूज़ जो वो डेली बेस पे देते हैं, जिस दिन से पबजी बैंड हुआ है वो दिन आप नोट कर लीजिए, और अब तक उन लोग की उस न्यूज़ लिस्ट में कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि पबजी कब आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कन्फर्म रिलीज क्या है। वो बस खाली एक व्यूज लेने का तरीका है उन लोग का। हर डेली बेस पे आई थिंक बैटल ग्राउंड उसका टाइटल रखना, उसका पोस्टर लगाना, प्रॉपर एक तरह से ट्रिक बना रखी है कि एग्जैक्ट हम लोगों को पागल किस तरह से बनाया जाए। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग फेक न्यूज़ देते हैं जितने भी यूट्यूबर हैं, इसमें बहुत से नाम हैं। अगर मैं ऑलमोस्ट टेक्निकल गुरुजी जी का ही मैं नाम ले चुका हूँ। देन उसके बाद हमारा जो नया क्वेश्चन बन के आता है, क्या पबजी प्लेयर का डाटा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। जो इंडियन पीपल पबजी ग्लोबल वर्जन प्ले करते हैं, खेलते हैं, जब हमारे इंडिया के अंदर हमारा इंडियन वर्जन आएगा, तो क्या ग्लोबल वर्जन का डाटा इंडिया के अंदर इंडियन वर्जन में ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, तो वो ट्रांसफ़र 100% होगा। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका क्या सबूत है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले जिस कंट्री के अंदर पबजी बैंड हुई है, अगर उसका स्पेशल उसी कंट्री के लिए अगर पबजी लॉन्च हुआ है, तो ऐसे में जो ग्लोबल वर्जन का जो डाटा होता है वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। तो सेम यही कंडीशन हमारे इंडिया के अंदर भी होगी। अगर आप वियतनाम का नाम लें या पबजी KR का नाम लें, तो इन जगह पे भी, या आपका गेम फॉर PC का नाम लें, इन जगह पे भी एक टाइम पे पबजी बैंड हुई थी और ग्लोबल वर्जन का सारा डाटा जो भी उस कंट्री के प्लेयर थे उनको वापसी कर दिया गया है। एग्जैक्ट आपका जो नेम टाइटल है, आपकी गनों की स्क्रीन है और आपकी जो UC है वो आपको प्रॉपर आपको मिल जाएगी। बट अगर आपने सीजन 19 का रॉयल पास लिया हुआ है और आप मात्र 50 RP कर पा रहे हैं या 60 RP कर पा रहे हैं, और इस बीच में आपने जो UC खर्च करी है इसमें, तो वो UC तो जो आपने गेट कर ली, मान के चलिए 60 RP तक आपको 50 UC मिली, तो वो तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपने रॉयल पास परचेज़ किया है, वो सेम रॉयल पास सेकेंड वर्जन में नहीं जाएगा। तो बस हम ये कन्फर्म कर सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र आपका किया जाएगा। ओके, एंड सेवन क्वेश्चन यह आ रहा है, क्या पबजी सीजन 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूँ, यह 100% न्यूज़ है कि पबजी सीजन 1 से स्टार्ट होने वाला है। उसका रीज़न क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडियन के अंदर लॉन्च हो रहा है तो इस वजह से वो कर रहे हैं, नहीं, इसका रीज़न ये नहीं है कि इंडिया के अंदर पबजी लॉन्च हो रहा है तो सीजन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न यह है कि जो उनकी पब्लिक है, जो भी पबजी प्लेयर हैं जो पबजी खेलना पसंद करते हैं, तो जो नए बंदे इस पबजी गेम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर सपोर्ट डेट एग्जांपल तौर पे मैं ये बोलूं कि मैं सीजन 21 से खेल रहा हूँ और मैंने 20 तक खेल लिया और मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि इस गेम को खेलिए, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ये तो 20 सीजन इसके हो चुके हैं, मैं तो इसके सामने बिल्कुल बहुत नया हूँ, तो आई थिंक मेरे को ये गेम नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसी थिंकिंग को दूर करने के लिए पबजी ने यह कदम उठाया है, जिसके लिए वो यह बोल रही है कि वह सीजन 1 से दोबारा से स्टार्ट होगा। एंड 8th क्वेश्चन आपका बन के आता है, कौन कौन सी जनता या कौन कौन से ई स्पोर्ट प्लेयर या यूट्यूबर जानते हैं कि पबजी की कंफर्म रिलीज डेट क्या है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा इसका आंसर है, कोई भी कंफर्म नहीं जानता कि एग्जैक्ट इसकी डेट क्या है। उन पर कोई भी इसकी न्यूज या इसका कोई प्रूफ या कोई भी इसका सबूत नहीं है उन के पास। वो नॉर्मली एक बस खाली उम्मीद लगा के बैठे हैं, या बस वो एक
कह सकते हैं हम कि वो इस बात का एक फ़ायदा उठा रहे हैं कि आने वाले टाइम में 12 पास लॉन्च हो रहा है या ये हो रहा है या हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तो आई थिंक किसी को भी इसकी जो नॉलेज नहीं है। एंड नाइन्थ क्वेश्चन आपका बन के आता है, पबजी कब रिलीज होगा, उसकी कन्फर्म डेट क्या है? तो इसकी कन्फर्म डेट मैं आपको क्लियर कर दूँ, हालांकि मैं भी इसमें कुछ परसेंट डाउट में हूँ, बट अगर आप परसेंट के हिसाब से पूछते हैं तो 100 में से 80% मैं आपको बोलूँ तो इसकी रिलीजिंग डेट 18 जून है। जी हाँ दोस्तों, 18 जून के अंदर आपका इंडिया के अंदर पबजी रिलीज हो जाएगा। एंड सेकंड इसमें दो तीन डेट और निकल के आ रही है जो कि है 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख। इन 4 से 5 दिन के अंदर कंफर्म इंडिया के अंदर पबजी रिलीज हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के लिए आप रेडी हो जाइए सब्सक्राइब करके।